जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। आप चौधरी साहब के डेरे पे आए हैं और इन्हें बड़ा अच्छा एक नया इनोवेशन की है, नया आइडिया दिया है और यहाँ पे इन्होंने मिर्च लगाई है जी, सब्ज मिर्च, और वो भी हाइब्रिड है। और ये टनल फार्मिंग कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये मायरे तालीम है, लेकिन ये है कि इनका ये शौक है, जमीन भी है और माशाल्लाह ट्यूबवेल भी चल रहा है, माहौल भी बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा जो है वो टनल फार्मिंग थोड़ा सा दिखा भी दें। ये टनल वगैरह बन चुकी हैं, इसमें पौधे लग चुके हैं, बाद में आपको पौधे भी दिखाते हैं। और बहुत अच्छा आइडिया, यहाँ पे पानी की थोड़ी सी कमी है तो इसलिए इन्होंने सोचा कि थोड़ा सब्जी और इस तरह की चीज़ जो है ये ट्राई की। तो अभी आपको जी टनल का विजिट भी कराते हैं और फिजिकली दिखाते हैं कि जो अभी ग्रोथ है मिर्चों की वो कितनी हो चुकी है और क्या सूरत हाल है। ये अभी टिश्यू लगा हुआ है इसके ऊपर, ये आरजी सेटअप है, पहले टिश्यू लगता है, जब सर्दी वगैरह धुंध ज्यादा होगी तो फिर उसके बाद ये पॉलीथीन भी लगाया जाएगा। तो अंदर जाके देखते हैं जी किस तरह की फसल है, आइए जी देखते हैं। और बहुत ही प्यारा आइडिया है ये चौधरी इशफाक साहब का, और हमारे इलाके में ये है। और ये हाइब्रिड बीज है और आप देखें तो फल भी लगना शुरू हो गया है। ये देखें जी साथ, ये जो ही पौधा लगा है तो साथ फल भी लगना शुरू हो गया है। अभी ये गुफ्ते की फसल है और अभी इसमें थोड़ा गोडी और सफाई वगैरह होने वाली है इंशाल्लाह। इसकी गोडी और सफाई करेंगे, जड़ी बूटी खत्म हो जाएगी और फिर ये पौधे इंशाल्लाह और भी ग्रो करेंगे। अभी इनके पास टाइम भी है पौधों का, तो बहुत ही अच्छी काविश है जी इनकी यहाँ पे, स्पेशली हमारे इलाके में जहाँ पे पानी की भी थोड़ी कमी है, तो उसमें ये बहुत ज़बरदस्त तजर्बा है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये तजर्बा बड़ा कामयाब रहेगा। तो अब देखते हैं आगे भी थोड़ा आपको विजिट कराते हैं जितने टनल फार्मिंग की है, और बाद में इंशाल्लाह पूछेंगे भी कि जी टोटल इसका प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगेगा फसल के उगने होने में। जाए तो सर जी बहुत अच्छा इकदाम है आपका और बड़ा मजा आ रहा है हमें भी ये देख के सारा। तो एक इन्होंने अभी साथ ये भाई वर्कर भी रखे हुए हैं, तो इन्हें कुछ पूछना ऐसी कि भाई ये टोटल की प्रोसेस है और कितना किस तरह लाइन तुसी और की अगे किस तरह उगाई जा सकती है, या टनल किस तरह बनी है? पहले भाई टंडल लाए जी थोड़े करीब कर मोर के खेला कटिया। अच्छा जी, मोर के टिश्यू पाता जी, मोर के मिर्च लगा दिए। अच्छा, पानी लगा दिया। ठीक है, वगैरह ये जेड़ा हुन ते टिश्यू लगा खड़ा है, ये कितना अरसा रहेगा? थोड़ा ऊंचा बोलो तक रिकॉर्डिंग। दो महीने रहेगा यानी। अच्छा, दो महीने रहना है जी। ठीक है, उसके बाद फिर? उसके बाद छापर आएगा जी। अच्छा, फिर छापर आ जाना, फिर छापर और छापर करूं तक रखना है? ये भी दो ढाई महीने रहेगा यानी। अच्छा, दो ढाई महीने रहेगा तकरीबन जी, फरवरी मार्च नुकैरन के खत्म करेंगे और ताकि सर्दी और तोंद वगैरह तो बच सके। और बाकी खाद और बॉडी वगैरह कदों तक करनी चाहिए, की होने कितने दो हफ्ते से पौधे हो गए जो तुम दस रहे हो? ये 15 दिन हो गए। अच्छा, 15 दिन हो गए जी इस पौधे को लगे, और पौधे भी आपको दिखाते हैं बाद में। और बाकी यदि गोडी खाद वगैरह का हो, खाद करके गोडी करेंगे फिर खाद दे देंगे, फिर खाद देंगे। ठीक है, गोडी होगी फिर खाद देंगे। अच्छा, खाद और गोडी करोगे जी, और साथ ही फिर ये पानी का इंतजाम भी किया हुआ है, ट्यूबवेल वगैरह चल रहे हैं आप देख ही रहे हैं, क्योंकि तो यहाँ पानी की थोड़ी कमी है तो इस वजह से जमीनी पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पानी भी है नहरी, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो ट्यूबवेल है वो भी साथ चल रहा है और ट्यूबवेल का पानी जो है वो भी इसी वजह से इस्तेमाल करते हैं। तो साथ पानी का इंतज़ाम भी किया हुआ है, ताज़ा पानी जो ज़मीन का है वो भी इसमें मिल रहा है।
और दूसरा गागरिन ये इन्होंने अभी ये राया तोरिया वगैरह लगाया है और ये भी इन्होंने खाल बना के खालियों पे लगाया है। ये नया तजर्बा है, इससे इसकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा होती है, इसका बीज मोटा होता है और ज्यादा पैदावार देता है बजाय इसके जो हम आम नरमी छटा करके बीजते हैं, और उसकी नस्बत इसकी बॉडी भी बेहतर है और ये बाकी भी आसान है, इसको पानी लगाना भी, पानी भी थोड़ा कम लगता है इससे और ये कि इसकी पैदावार भी बढ़ती है। तो ये भी यहाँ पे नया तजर्बा है जो चौधरी साहब ने किया है। अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे, जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो फिर मज़ीद इसकी ग्रोथ और खूबसूरती भी बढ़ जाएगी जी।